तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आशिक मॉनिटर 2.0। सो दोस्तों, पीएम किसान श्रम निधि योजना में जो भी आपका अपडेट वगैरह करने के लिए यहां पे आप कैसे करेंगे, सो इस वीडियो में पूरी जानकारी देने वाला हूं। और मैं चैनल देख रहे हो आशिक मॉनिटर 2.0। सो दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, जैसे कि मैं यहाँ पर इंफॉर्मेशन वीडियो जब भी अपलोड किया करूँ तो आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा। सो दोस्तों, श्रम निधि योजना में आपको अपडेट वगैरह, आधार कार्ड नंबर कोई चेंज कराना है, नंबर वगैरह और मोबाइल नंबर भी आप कैसे चेंज करोगे, सारा कुछ इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आपको दिखाते हैं कि आप श्रम निधि योजना में कैसे अपडेट को करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, मैं मोबाइल स्क्रीन पे आ चुका हूँ और फायरफॉक्स वाला आपको मोजिला फायरफॉक्स को यूज़ करना है। जैसे कि आप पीएम किसान श्रम निधि योजना में आ जाना है इस पोर्टल में, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा ऐसा इंटरफेस, ठीक है। तो मैं पहले से दिखा रहा हूँ यहाँ पे। जैसे कि आपका किसी भी नाम का करेक्शन कराना है तो यहाँ पे आप आके अकाउंट नंबर डाल के भी आप करा सकते हो। अगर आधार कार्ड नंबर यहाँ पे अपडेट नहीं है, ठीक है, चेंज है, अगर चेंज कराना है तो यहाँ पे आप चेंज आसानी से तरीके से करा सकते हो। और आपको साफ साफ बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो भी करेक्शन करेंगे वो एक महीने लगभग लग जाएंगे इसको अपडेट होने में, ठीक है। जो कि यहाँ पे आपको अपडेट करते समय आपको एक हफ्ते बाद भी आप स्टेटस चेक करेंगे तो आपको नहीं दिख पाएंगे। तो इसका कारण यही है कि आप एक महीने के बाद ही देख पाएंगे स्टेटस को। सो दोस्तों, जिस भी आपको चेंज कराना है तो इस प्रकार से आपको अकाउंट नंबर डाल के यहाँ पे ओपन न्यू टैब में क्लिक करेंगे, उस कैप्चा को यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है। जैसे मैं कर रहा हूँ ऐसे इस प्रकार से करना है। और आपको उस कैप्चा को नहीं फिल करना है, इस कैप्चा को, ये गलत है यहाँ पे जो दिखा रहा है। तो मैं स्क्रीनशॉट वाला जो भी अभी स्क्रीनशॉट मार के रखा हुआ है उस कैप्चा को यहाँ पे नोट कर लेना है और बिठा देना है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे दिखा रहा है गलत और मैं यहाँ पे सही को डाल रहा हूँ जो अभी स्क्रीनशॉट डाला हुआ है। तो इसको देख देख के मैं यहाँ पर फिलअप कर लेता हूँ। तो इस प्रकार से आपको मोजिला फायरफॉक्स में और मोबाइल से ही आप करेक्शन कर सकते हैं। कोई भी आपको सीएससी के लिए जाने के लिए ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप खुद से ही अपडेट करा सकते हो, मोबाइल नंबर भी आप अपडेट कर सकते हो, किसी भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। सो दोस्तों, यहाँ पे जैसे जैसे कैप्चा है वैसे वैसे मैं फिल कर रहा हूँ। तो इस प्रकार से आप सब भी कीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए फार्मर का नाम आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो ब्लॉक दिखा रहा है, आधार कार्ड दिखा रहा है, सारा कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। एडिट के ऑप्शन में क्लिक करेंगे, एडिट वाला ऑप्शन में क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख लीजिएगा, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर फार्मर का नाम डाल दीजिएगा, जो भी आपका यहाँ पे आधार कार्ड में दिया हुआ है उसको बड़े अक्षरों में यहाँ पे अच्छी तरह से लिख देना है, ठीक है। इस प्रकार से आपको इस बॉक्स में लिख देना है। और यहाँ पे आपका न्यू मोबाइल नंबर जो भी अपडेट कराना चाहते हैं तो यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा। मैं जैसे जैसे फिल कर रहा हूँ आप ऐसे ऐसे फिल कीजिए तो आपका यहाँ पे करेक्शन हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपका न्यू आधार कार्ड नंबर आप अपडेट कर सकते हो, जो भी आपका वहाँ पे कुछ मिसमैच हुआ हो तो यहाँ पे आपका आधार नंबर अगर सही कर लिया है, करेक्शन वगैरह वहाँ पे भी कर लिया है, तो किस प्रकार से आप यहाँ पे एडिट वाला ऑप्शन में आके फिलअप कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको कर लेना है। कर लेने के बाद यहाँ पे सिंपल सा कर देना है, जैसे कि मैं यहाँ पे पहले से करके रखा हूँ। तो इस प्रकार से आपको अपडेट करा लेना है, करेक्शन इस प्रकार से किया जाता है। सो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, आशिक मॉनिटर 2.0 चैनल को हिट कीजिएगा।